all of you, I welcome to the channel The Education Physics. I am Soumen Kumar, lab with The Education Physics, and today my topic is NLM, that is Newton's Law of Motion. चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर ही बारीकी से डिस्कशन करेंगे. कल प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, ठीक है. बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में मोमेंटम को देखा था. मोमेंटम क्या है, मोमेंटम कैसे वैरी कर सकता है, इसके लिए मैंने तीन केसेस आपको दिया था. पहला केस मैंने दिया था कि अगर मास को कॉन्स्टेंट रख दिया जाए तो मोमेंटम कैसे वैरी करता है, अगर वेलोसिटी को कॉन्स्टेंट रख दिया जाए तो मोमेंटम कैसे वैरी करता है, और नंबर तीसरी बात मैंने कहा था कि अगर इनकेस मोमेंटम को ही कॉन्स्टेंट रख दिया जाए तो फिर किस प्रकार से इसका वेरिएशन आता है, यानी मास वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड करता है या वेलोसिटी मास पर कैसे डिपेंड करता है. इन तीन चीज़ों पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था काफ़ी बारीकी से. जाते जाते वक्त एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको देकर गया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट में आपको केवल बोल दिया गया था मौखिक रूप से कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, ठीक है. तो बड़े ईमानदारी पूर्वक ध्यान देना, ठीक है ना. आज जो टॉपिक मिला है बड़ा खतरनाक सा टॉपिक है, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ना जाने बच्चे कितने बेताब रहते हैं. न्यूटन्स का तीन लॉ है, ठीक है. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यहाँ लिखा हुआ है, याद रखोगे थ्री लॉज है. कितना लॉज है, थ्री लॉज है, ठीक है. न्यूटन साहब का तीन लॉज है. आज हम लोग मिला जुला कर चर्चा फर्स्ट लॉ पर कंप्लीटली करेंगे और सेकंड लॉ के बारे में भी कुछ जानकारियां हासिल करेंगे, ठीक है. आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सबसे पहले जान लेंगे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कितने होते हैं, तो तीन होते हैं. उन तीन में से हम लोग आज फर्स्ट लॉ के बारे में काफी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, और सेकेंड लॉ पर भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, और इसकी पूर्ण डिटेल्स फिर अगले क्लास में अगले लेक्चर में देखा जाएगा, ठीक है. तो आप लोग अपने आप को संभाल लीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर जोश भर लीजिए, एक्साइटेड हो जाइए पढ़ने के लिए क्या चीज, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. चलो हम थोड़ी सी बात बता दें, बहुत सारे बच्चे एक कमेंट के दौरान ये बोलते हैं कि काश न्यूटन नहीं होता तो आज फिजिक्स इतना वास्ट नहीं होता. नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं यार अपने तो चला गया, मेरे ऊपर, हम लोगों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर एक जिम्मेवारियां छोड़कर यार थोप कर गया कौन, उन जिम्मेवारियों को निभाते निभाते पसीना तो हम लोग का निकलता है. न्यूटन का क्या था, दिया और चला गया, कहानी खत्म. उसकी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई. अब समस्या किसके साथ आ रही है, हम लोगों के साथ आना पड़ रहा है यार. वो जो बोल के गए उसको क्या बोल के गए उसको समझो, क्यों बोले उसको समझो, आखिर बोले तो रिजल्ट क्या मिला उसको समझो. बड़ा हो जाए यार, काश न्यूटन नहीं होता, नहीं वो नहीं होता. चलो तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई है, अर्जेंट टाइम में न्यूटन साहब है नहीं, उनका कुछ रूल्स है उसे पढ़ते हैं. मौसम से रिलेटेड, मौसम ये कैसा, तो काउच वाला, वैसा मौसम जिसमें उसका काउच भी शामिल है ना, क्या शामिल है, काउच भी शामिल है, उसके साथ हम लोग स्टडी कर रहे हैं. किसको, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो न्यूटन साहब का शायद जन्म आप लोग जानते हैं 1642 में हुआ था, और मृत्यु यही 1727-28 के लमसम में लगभग, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है. कंफर्म डेट को नहीं याद रहता है क्योंकि हिस्ट्री के तो स्टूडेंट रहे नहीं, साइंस के विद्यार्थी है तो थोड़ा सा समझते हो, ये सब भूलने की आदत बन गई है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रहता है. तो न्यूटन का पहला लॉ लिखें, लॉ भी लिखेंगे, मैंने यहाँ पर दे दिया है कि मुझे आज इतनी बातों पर चर्चा करना है. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखना है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में देखना है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का फुल डिस्कशन करना है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का इलस्ट्रेशन देखना है, मतलब क्या क्या एग्जाम्पल्स पर बैठाया जा सकता है, क्या एग्जाम्पल्स लिया जा सकता है जिसे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझा जा सके. और नेक्स्ट आगे मैंने कहा सेकंड लॉ भी लेंगे न्यूटन्स का, न्यूटन्स के सेकंड लॉ को कितने पार्ट्स में बांटा गया वो भी देखेंगे, और इसका एक्सप्रेशन निकाल लेंगे. और क्या निकाल लेंगे, एक्सप्रेशन निकाल लेंगे. हो सकता है तो इतनी बात हम लोग क्या करने वाले हैं आज, चर्चा करें.
न्यूटन साहब का पहला वसीय कहता है एवरीबॉडी, जन ध्यान रखो में बहुत सिंपल सा बात है, एवरीबॉडी कोई भी बॉडी जो है पॉइंट ऑप्शन मैं यहीं पर पेन को रोक रहा हूँ, कोई भी बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल कंडीशन ओरिजिनल करने का मतलब क्या होगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। पॉइंट्स को दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है ना, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। लेकिन कब तक एक कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट होता है, कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, अनवांटेड, जिस बल की वो चाह नहीं कर रही वैसा बल, अनडिजायरेबल बल जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक वह बॉडी अपने मूलभूत अवस्था को, ओरिजिनल कंडीशंस को, फंडामेंटल कंडीशंस को बनाए रखेगी। जनरली ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल कंडीशन क्या होता है, रेस्ट होता है, तो वो रेस्ट में रहेगा, चाहे वो क्या चीज में रहना, रेस्ट में रहना। अगर कोई बॉडी मान लो मोशन में है तो वो ऑलवेज चाहेगी मोशन में रहना। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो मत समझो, समझने वाली बात ही नहीं, क्या समझे यार, थोड़ा सा पीछे लेक्चर में जाओ वहां समझो। मैंने गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट दिखाया है, दिखाया है मैंने, क्या कहा, एक बड़ी को लुढ़का है किसी ऊंचाई से टा, एक यूट्यूब शेप का था, जितनी ऊंचाई से गिरा है टा वो उतनी ऊंचाई को प्राप्त किया, पाला नंबर सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। दूसरा ट्यूब को थोड़ा सा फ्लैट ले लिया, गिरा अपनी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए, एक साइड का डिस्टेंस ज्यादा कवर किया और फ्लैट कर दिया, प्लेन चलता रहा, बहुत ज्यादा दूरी चला गया अपने हाइट को अटेन करने के लिए, अपनी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए। इससे क्लियर हुआ था कि कोई भी बॉडी रुकना नहीं चाहती है, वो रुकती है किसकी वजह से, तो सरफेस ग्राउंड के द्वारा एक फोर्स एक्जर्ट होता है कॉन्टेक्ट सरफेस के कारण। अगर ये ग्राउंड है, एक बॉडी चल रही है तो ग्राउंड और सर इसके सरफेस के बीच, ठीक है ना, एक फोर्स लगेगा जो मोशन का अपोज करेगा, तो बॉडी क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है, बॉडी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो मैंने क्या कहा, अ बॉडी कंटिन्यूअस इन अ स्टेट A body continuous in a state of rest, of क्या चीज़ बोला, of rest. A body continuous in a state of rest. अगर कोई body rest में है, क्या चीज़ में चाहेगी? Rest में चाहेगी. अगर कोई body rest में है, क्या चीज़ में चाहेगी? Rest में चाहेगी. Or of in uniform motion. इन यूनिफॉर्म और क्या चीज बाबू, मोशन और कौन सी बाबू, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट पाथ बोल सकते हो, लाइन बोल सकते हो, ठीक है, रोड बोल सकते हो, ठीक है। क्या मैंने कहा, एवरी बॉडी कंटिन्यूस, प्रत्येक बॉडी निरंतर बनाए रखेगी, इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अपने विराम की अवस्था को, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति को, इन अ स्ट्रेट पाथ, इन अ कौन पाथ बाबू, अ स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन, अनलेस इट कंपेल्ड by some external force, to change that state। मैं समझाऊँ, कुछ बच्चे हिंदी
भाषी है, मैं बोल दूंगा उनके लिए हिंदी, लिख लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, पहले समझिए मैंने क्या कहा। एवरीबॉडी प्रत्येक वस्तु कंटिन्यूस निरंतर रहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात है यार, तब जानते होंगे। एवरीबॉडी प्रत्येक वस्तु कंटिन्यूस निरंतर बनाए रखती है, इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अपने विराम की अवस्था को, या इन यूनिफॉर्म मोशन अपने एक समान गति को, इन अ स्ट्रेट पाथ एक सीधी पथ पर, एक सीधी लाइन में, एक सीधी सड़क पर, अनलेस जब तक, कब तक, इट कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है, वह अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है, अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है। हिंदी में प्रयोग होंगे, कोई भी वस्तु यदि विराम में है और यदि गति में है, तो वह अपने विराम की अवस्था को या गति की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा, नहीं लगेगा। आया, इतनी बातें दिमाग में आ गई, थोड़ा सा एक बार मैं कमेंट आपको कर, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? देखिए आज टाइमिंग थोड़ा सा अल्टरनेट है, तो कुछ बच्चे कम जुड़े हैं, घबराना नहीं है। जो भी विद्यार्थी है वो पढ़िए आराम से, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। आफ्टर ऑल वो बच्चे लाइव का भी ऑडियो देख लेंगे, वीडियो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, जो अपलोड होगी वीडियो, टेंशन लेना नहीं है, आराम से पढ़िए। क्या समझ में आ गया? हूँ समझ में आ रहा है? फटाफट में बताओगे, दिख रहा ना लिखा हुआ? ज्यादा मैंने छोटा तो नहीं लिखा? कमेंट करोगे फटाफट में, समझ में आ रहा है? मैसेज में मैंने थोड़ा लेट से डाला कि आज का क्लास कितने बजे से होगा, ये वजह भी हो सकती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तुम सोचते समझ में आ रहा हो? मैंने क्या कहा देखोगे, एवरीबॉडी कंटिन्यूअस इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो वह मोशन में रहना चाहेगी, ठीक है ना? अनलेस इट कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट, तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। बाद में आ गया होगा पूरे पूरे हिंदी में, इसी को सुनना चाहेंगे, कैसे सुनेंगे? प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था विराम या गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल या कोई बाहरी बल ना कार्य करे, ठीक है? यहां तक मैं तो कोई दिक्कत नहीं करी हुई है। अब आइए, क्या न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सिंगल पार्ट है? सबसे पहला नंबर बात किया जाता है, क्या न्यूटन का फर्स्ट पार्ट सिंगल पार्ट है? क्या सिंगल लॉ है? लॉ तो सिंगल ही करे न्यूटन के फर्स्ट लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ बोले तो सिंगल ही बोले, लेकिन तीन पार्ट में बटा हुआ है। पहला नंबर पार्ट देखो कौन सा पार्ट है, अ स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरा नंबर पार्ट देखोगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्टेट पार्ट। और तीसरा नंबर पार्ट जो आपको इसमें दिख नहीं रहा है वो भी है डायरेक्शन। क्या है पापू? डायरेक्शन। तो इसका कितना पार्ट हो गया? तीन पार्ट हो गया। पहला नंबर कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट, बॉडी मोशन में है तो मोशन में, और बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन में है उसी डायरेक्शन में, कौन डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में। बात नहीं आ रहा होगा? मैंने क्या बोला? तीन कंडीशंस, इसका तीन पार्ट होता है। पहला पार्ट है कि अगर बॉडी रेस्ट में है रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है स्ट्रेट लाइन पर मोशन में रहेगी, और तीसरा नंबर मैंने बोला कि बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना? बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो कितना केसेस इसका हो गया? तीन केसेस हो गया। तो पहला नंबर केसेस आपका जो होता है
यानी पावर नंबर पार्ट, इसको मिटाए क्योंकि मुझे कितना ही डिस्कशंस करना है पार्ट टू पार्ट एक एक वर्ड के बारे में। पार्ट नंबर फर्स्ट मेरा क्या कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, पार्ट नंबर फर्स्ट में लिख रहा हूं। कुछ नहीं, एकदम बहुत सिंपल है, ए बॉडी, ए बॉडी और क्या बोलेंगे, इज रेस्ट, इज रेस्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इन अ स्टेट ऑफ क्या चीज बाबू, रेस्ट, इन अ स्टेट ऑफ क्या बोलेंगे, रेस्ट। पॉइंट समझोगे, अगर कोई बॉडी क्या चीज में रेस्ट में तो वो निरंतर क्या चीज में रहना चाहेगी, रेस्ट में रहना चाहेगी। बात तो बोला सर तो वही अनलेस एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन इट, ठीक है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाया नहीं गया। पहला बार अ बॉडी इज रेस्ट, अ बॉडी इज रेस्ट कंटिन्यूअस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, निरंतर क्या चीज में रहना चाहेगी, रेस्ट में रहना चाहेगी। जैसे देख लो आप एक टेबल पे बुक को रख दो, आपके पास टेबल होगा, टेबल पे बुक को रख दो, बुक को रख दो, देखो क्या बुक मूव करती है, आप कहोगे नहीं सर नहीं मूव करती है, यानी वो क्या चीज में था, किताब जो टेबल पर रखी है क्या चीज में है, रेस्ट में, तो वो क्या चीज में रह रही है, कंटिन्यूअस इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी, क्या चीज में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, पहला पार्ट। दूसरा नंबर पार्ट है अ बॉडी इन मोशन, अ बॉडी इन मोशन, अच्छा यहां पर इज के लिए पर इन वर्ड लगा थोड़ा ज्यादा बेस्ट में, अ बॉडी इन रेस्ट कंटिन्यूअस इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूअस in a state of motion, a state of motion on a straight line, on a straight line, अगर कोई बॉडी गति में, यदि कोई बॉडी क्या चीज में गति में, गति में है तो continuous निरंतर बनाए रखे a state of motion किस पर लागू, on a straight line, on the line straight line, जब तक तुम उसके गति में चेंजिंग नहीं लाओगे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर तब तक वह बॉडी गति में ही रहेगी। समस्या यहीं पर आता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, ठीक है, ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि सर रेस्ट में कैसे है, कोई भी चीज को मैं लौटाता हूं वो तो रुक जाता है, वो तो रेस्ट में आ जाता है सर, मोशन में तो नहीं रहता है कुछ टाइम के बाद। यार यही तो सोचना है, उस बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स कार्य करता है, बहुत सारा फोर्स कार्य करता है, और यानी पहले क्लास में मैंने बताया था कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी कार्य करता है, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी कार्य करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कार्य करता है, उस पर नॉर्मल रिएक्शन भी कार्य करता है, ठीक है, फ्रिक्शन कार्य कर सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर सकता है, नॉर्मल फोर्स कार्य कर सकता है, टेंशन कार्य कर सकता है, और भी अदर मैकेनिकल फोर्स भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब बताओ इतना सारा फोर्स लगेगा, तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो फोर्स लग रहा है, एक्चुअल में नहीं दिख रहा लेकिन लगता है, लेकिन लगता है, तो जब बहुत सारा फोर्स लगेगा तो वो बॉडी क्या चीज रहेगा, वो बॉडी मोशन में था तो उसको रेस्ट में ले आया, ये सब फोर्स मिलजुल करके आपस में काम नहीं बढ़ने देंगे, मोशन का अपोज करेंगे, बॉडी रेस्ट में आ गया। लेकिन अगर मान लो कि ये फोर्स ना लगे, ये सब फोर्स कोई ना लगे उस बॉडी पर, तो वो बॉडी बॉन्डेज क्या चीज में रह जाएगा, मोशन में रह जाएगा। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों ने देखा समझा, वो बॉडी क्या चीज में रह जाएगा, बॉन्डेज मोशन में रह जाएगा। बात में दूसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट भी समझते हैं, कौन सा पार्ट समझते हैं, तीसरा पार्ट, ए बॉडी मूविंग विथ, इसको पहले इरेज करें, ए बॉडी मूविंग विथ
a body moving with uniform, moving with uniform, a speed in a catching body, a straight line, yeah, straight path, a straight line or a straight path, ठीक है, cannot change itself, cannot change itself, catching up, its direction. इट्स डायरेक्शन आया. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, बॉडी मूविंग भी, एक बॉडी जो है वह मूव कर रहा है किसके साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इन स्ट्रेट लाइन, सीधी सड़क पर. तो क्या कह रहा है, कैन नॉट चेंज, नहीं ला सकता है, कैन नॉट चेंज इट्स खुद से, कैची में छोड़ू अपनी डायरेक्शन, क्या नहीं ला सकता है, परिवर्तन, चेंज माने परिवर्तन, यानी कोई भी बॉडी अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वह बॉडी खुद से अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है. पॉइंट समझ में आ गया, यानी यदि कोई वस्तु सीधी पथ पर चल रही है तो वह खुद ब खुद अपनी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, अपनी दिशा में खुद ब खुद परिवर्तन नहीं लाएगा, खुद ब खुद उसकी दिशा में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, उसका परिवर्तन क्या होगा, अनचेंज रहेगा, बात में आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेंजिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन. अगर कोई फोर्स नहीं लगता है तो तुम्हारे दिमाग में सर ऐसे कैसे, एग्जाम्पल, एक साइकिल को चला रहे हो आप, जब तक हैंडल को टर्न नहीं करते हो क्या साइकिल मुड़ती है, आप तो साइकिल को मोड़ने के लिए हैंडल को टर्न करना पड़ता है, हैंडल को क्या करना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है. कोई भी साइकिल जब चल रही है, साइकिल को आप चला रहे हो तो साइकिल को चला रहे हो तो अगर सीधी रेखा पर चल रहे हो तो उसे टर्न करना है, तो साइकिल में क्या करते हो, मोड़ते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, मोड़ते हो, हैंडल मोड़ते हो, कार चला रहे हो स्टीयरिंग को घुमाते हो, स्टीयरिंग को टर्न करते हो, करते हो नहीं करते हो, तो बताओ, यानी डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है. तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो तीन पार्ट्स में, ये तीनों पार्ट्स इनर्शिया का तीन टाइप्स है, बोलो है या नहीं है, इनर्शिया मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, बोलो इनर्शिया का तीनों टाइप्स है या नहीं है, पिछले क्लास में लेक्चर नंबर फर्स्ट में इनर्शिया का टाइप है या नहीं है, फटाफट बताओगे जब तक तुम उसे रोकना ना चाहो, ठीक है, जब तक तुम उस पर फोर्स ना लगाओ तब तक वह मोशन में है, तो कैची में रहेगा, मोशन में रहेगा, है या नहीं, है या नहीं, बोलो जल्दी, है. पॉइंट टू हो गया, पॉइंट नंबर थर्ड देखो, इसे क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, और पॉइंट नंबर थर्ड मैंने क्या कहा था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ क्या कहा गया था, डायरेक्शन कहा गया था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में आपका क्या होगा, कि अगर कोई भी बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलेगा,
अर्थात उसका डायरेक्शन में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है, अर्थात उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। तो बताओ ये कितना पार्ट्स हो गया, 3 पार्ट्स। यही तो इसका डिस्कशन है, यही इसका क्या है, डिस्कशन है। आया गया, क्लियर करो, डिस्कशन समझ में आया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ 3 पार्ट्स में बटा है, मैंने काफी बारीकी से आप लोगों को समझाया। पॉइंट्स को चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स कर सकते हो, ठीक है, मैं लिख भी दिया हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जांपल्स, वैसा एग्जांपल्स लिया जाए जो न्यूटन के लॉ पर सटीक बैठे, या आप कह सकते हो कि न्यूटन के लॉ जो फर्स्ट लॉ है उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल्स जो आप जानते हैं उसके बारे में बताइए। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है उससे रिलेटेड, उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन पर बेस्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है, मैं एप्लीकेशन नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पर सिंपल बोल रहा हूँ कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स जो होंगे उसको लोग क्या बोलेंगे, इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, जो एप्लीकेशन पर बेस्ड होगा, किस पर बेस्ड होगा, एप्लीकेशन पर बेस्ड होगा, उसका नाम क्या दे देंगे, इलस्ट्रेशन। क्या इलस्ट्रेशन हो सकता है, तो सबसे पहले नंबर हम लोग यहां से बात कर रहे हैं एक नोट पॉइंट का, और नोट पॉइंट यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। क्या नोट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मोशन डिफाइंस डिफाइन क्या चीज लागू, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया ऑफ बॉडी। हमेशा याद रखोगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो डिफाइन करता है किसको, इनर्शिया ऑफ बॉडी। क्लियर हो चुका है, ये तीन से मैंने आपको भी इतना समझाया बारीकी से कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया को तो बता रहा है, किसको बता रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है क्या चीज को, इनर्शिया। थोड़ी सी डिस्कशन और लेना है इसका, अब तुम जहां भी पढ़ रहे हो एक ही चीज पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, बाद में इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, एक बार में इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, आप क्या पढ़ रहे हो कि फोर्स नहीं लगेगा, कैसा फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, कौन फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट एक्ट, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स का मान जीरो हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स का मान क्या हो जाएगा, यानी फोर्स इक्वल्स टू जीरो, एक्सटर्नल फोर्स का मान नहीं लगना चाहिए। तो ये अपने कंडीशन को बनाए रखेगा, कौन कौन कंडीशन को, रेस्ट को, डिस्कशन में समझना पड़ेगा इसे, क्या चीज को बनाए रखेगा, मोशन को, और तीसरा अपने डायरेक्शन को। अगर कोई बॉडी पर तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो तो रेस्ट में बॉडी है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और जिस डायरेक्शन में मोशन में है उसी डायरेक्शन के मोशन में रहेगा। यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ सीधी सी बात कहता है कि एक बराबर जीरो होना चाहिए, या फिर कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम फोर्स के लिए लागू है, इक्विलिब्रियम फोर्स के लिए यह पूरी पूरी तरह से क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब बहुत सारा फोर्स लगे और फोर्स का रिटर्न जीरो हो जाए। आगे मैं डिस्कशन करूंगा इक्विलिब्रियम फोर्स पर, और भी मैं चर्चा करूंगा, टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पर समझना कि अगर कोई बॉडी पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो उन सभी फोर्स का एडिशन, उन सभी फोर्स का सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो वैसे फोर्स को इक्विलिब्रियम फोर्स कहेंगे, कौन सा फोर्स कहेंगे, इक्विलिब्रियम फोर्स कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम फोर्स के कंडीशंस को पूरे पूरे फॉलो करवाता है कौन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। हम समझते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम जो बात करेंगे वो इसके इलस्ट्रेशन पर, मेरा जो टॉपिक है न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसके इलस्ट्रेशन पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा, ठीक है, एकदम आराम से चर्चा करना है, ढंग से देखना है, समझना है, ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का जो इलस्ट्रेशन है, क्या क्या इलस्ट्रेशन दे सकते हो, तुम डेली लाइफ में देख लो एग्जाम्पल, भले ऑब्जर्व कर पाओ या नहीं कर पाओ, लेकिन डेली लाइफ में तुम एग्जाम्पल्स देखते हो जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर बेस्ड होता है, ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर बेस्ड होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हो, कभी घोड़ा चलाने का
मौका मिला हो तो यू हैव गॉट अ चांस टू राइडिंग हॉर्स, घोड़ा चलाने का अगर कभी मौका मिला होगा तो दोस्तों तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जब आप घोड़े पर सवार होते हो और अचानक लगाम पकड़े नहीं कि घोड़ा चल दिया, घोड़ा दौड़ गया, अभी घोड़े पर चढ़े ही हैं, बढ़िया से बैठे आराम से, लगाम पकड़े नहीं कि घोड़ा सडनली बहुत तेजी में फास्ट में मूव कर गया, तुम पीछे क्यों उलट जाओगे, मत सोचना बात आगे उलटेंगे, कहां उलटोगे, पीछे उलटोगे, सर नहीं समझ आ रहा, पहले ये समझ लो उलट जाओगे पीछे क्यों, पर इसको मान लो ठीक है, कभी नहीं मौका मिला तो मौका ले लो, अच्छा यार गिरने का प्रैक्टिस मत करना, नाक मुंह मरने के बैंड हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, ये काम मत करना, मतलब ऐसा देखने को मिलता है, आप ऐसा देख सकते हो, घोड़ा को जो राइड करने वाला होता है घुड़सवार जिसको कहते हैं, हॉर्स को जो राइड करने वाला होता है घुड़सवार कहलाता है, हॉर्स राइडर कहते हैं अंग्रेजी, तो हॉर्स राइडर पर जैसे ही आप हॉर्स राइडर जैसे ही बैठता है हॉर्स पर, अचानक हॉर्स चलना शुरू कर दे, तो देखो घोड़े ने चलना शुरू किया, घोड़े पर आप बैठे हो तो जितना पार्ट्स घोड़े के कांटेक्ट में है वो सडनली मोशन में आ गया, देखना ढंग से समझना, मैंने क्या बोला, हॉर्स की बात नहीं कर रहा हूं, स्टार्ट टू रन, इधर पॉइंट्स को समझो, स्टार्ट टू रन इधर दौड़ना शुरू किया, तो जो पार्ट्स यानी सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, कौन सा पार्ट्स, शरीर का ये बना ऊपर वाले नीचे वाले, कमर से नीचे का हिस्सा, ठीक है ना, यहां से ऊपर नहीं नीचे वाले हिस्सा घोड़े के संपर्क में, अब बताओ जब संपर्क में है अगर घोड़ा दौड़ा तो तुम्हारा शरीर चला कहां से, कमर के नीचे वाला पोर्शन, या या टिक 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 चल रहा है, बढ़िया से देखा चल रहे घोड़े पर बैठे, अब बस टिक किए नहीं कि घोड़ा फूल, शरीर का अगला भाग घोड़े के कांटेक्ट में है, ये मोशन में आ गया, बट ऊपर का भाग अभी भी अपने रिस्ट के स्टेट को बनाएगा, किसको बनाएगा, रिस्ट के स्टेट को, राइडर जो है पीछे की ओर झुक जाता है, कभी कभी तो कंडीशन ऐसा होता है अगर लगाम हल्का धराया है तो सुरंगा गया होगा, तो पहला नंबर का बिजनेस हो गया, ये केसेस तुम बस में भी देख सकते हो, ट्रेन में भी देख सकते हो, ये फील भी आप करते हो हमेशा, बस में आप सवारी कर रहे हो यात्रा कर रहे हो, बस में बैठे नहीं आराम से बैठ गए, ड्राइवर अभी भी रुका हुआ था, आपका शरीर पूरा का पूरा रुका हुआ है, शरीर का जितना भाग बस के कॉन्टेक्ट में है, सीट के कॉन्टेक्ट में है, नीचे के बॉडी के कॉन्टेक्ट में है, तो वो बस के अनुसार रहेगा, अगर बस रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन बस मोशन में आ गया तो ये भी अचानक मोशन में आ जाएगा, सडनली मोशन में आ जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट्स जो बस के कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट में जो बस का नहीं है, वो अभी भी क्या चीज में रहेगा, अपने ओरिजिनल केस को रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, बस अचानक से चला आपका शरीर जो कांटेक्ट में हो तो बस के साथ मोशन को बना लेगा, लेकिन जो कांटेक्ट में नहीं है वो चाहेगा, तो मतलब अगर बस पर सपोज मान लो ये तुम्हारा सीट है, यहाँ पर कोई बंदा बैठा है, बंदा या बंदी ठीक है, मान लो बंदा या बंदी बैठा है, तो ये वाला भाग सीट के कांटेक्ट में है, यहाँ पर बस आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा, ये क्या चाहेगा, अरे भाई सीट यहां से यहां आ गया, आदमी क्या चाहेगा, नहीं हम यही नहीं, तो बताओ आदमी यहां जो आ रहा था, सपोज मान लो यहां जो आदमी आ रहा था, वो आदमी कहां जाना चाहेगा, अपने एक्चुअल पोजीशन, तो एक्चुअल पोजीशन पर जाना चाहेगा, इसलिए शरीर किस ओर पीछे की ओर झुक जाएगा, फील आया, बस तैयार करो, देखो समझ में आ जाएगा, एक तीसरा नंबर बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल जिससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा और बेहतर समझ में आएगा, कारपेट जानते हो, कारपेट या ब्लैंकेट कंबल, कारपेट ले लो
कारपेट पैसा काट लेना यार जो टेंट वाला नहीं चलता है। सर इसका क्या करेंगे? करेंगे मैं बता रहा हूँ, कारपेट टेंट वाला उठा दो, समझ रहा ना, उसमें बहुत बॉर्डर लगे होते हैं, नाइसल वगैरह। हाँ हाँ नहीं, नाइसल होगा, पॉन्ड्स होगा, अभी व्हाइट टोन आ रहा है बहुत अच्छे से पॉडर में, व्हाइट टोन होगा, सब पॉडर उसमें लगा होगा, उस पॉडर को जान रहा है रेयर डस्ट पार्टिकल होगा, मतलब कह देगा पॉडर का मतलब डस्ट पार्टिकल से वो थोड़ा सा कमेंट हो जाता है, ठीक है, वो जो बचपना अंदर से ना वो आ ही जाता है एनर्जी जोश, ठीक है। तो उस कारपेट को डाल दो, एक ऐसा स्टिक ले लो, यो टिक 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 मारो, देख लो धूल कण उड़ता है, आहा उड़ता है नहीं उड़ता है, देखो यार धूल कण उड़ता है निकलता है, आपके दिमाग में आया यस सर निकलता है, क्यों? क्योंकि तुमने कारपेट को पीटा, कारपेट मोशन गया अप डाउन टू फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे, इसका क्या होगा? मोशन होगा, डस्ट पार्टिकल बेचारा जहां पे वहीं पे रहेगा, अब कारपेट आगे चला गया तो डस्ट पार्टिकल बेचारा अपने पोजीशन को बनाए रखेगा, ग्रेविटी उसको खींचे, अगर ग्रेविटी नहीं खींच पाएगा, हवा का हवा ज्यादा तेज है तो हवा से उड़ जाएगा, उड़ेगा धीरे धीरे धूल कण निकल जाता है। ड्राई क्लीनर्स जनरली इसी मेथड का इस्तेमाल करता है आपके कपड़े को झाड़ने के लिए, और वो कौन सा प्रिंसिपल है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। एक और बचपन में आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, एक ग्लास ले लो, ग्लास में सुनो, इस पर एक कार्डबोर्ड रख दो, यहां पर एक कॉइन रख दो, समझना बात हो, कार्डबोर्ड को झटके से क्या करो, फ्लिप करो, या झटके से फ्लिक करते हो, आप देखो एक कार्डबोर्ड आगे निकल जाता है, क्योंकि तुमने फोर्स कार्डबोर्ड पर लगाया है, कॉइल पर, कार्डबोर्ड तुमने फ्लिक किया, कार्डबोर्ड आगे गया, कार्डबोर्ड कहाँ गया? आगे चला गया, और कॉइल या अभी भी कॉइल चल गई, रहने के लिए कार्डबोर्ड आपका आगे निकल गया, कहाँ निकल गया? आगे निकल गया, और कॉइल यहीं पर रहना चाहिए, मतलब कॉइन को कोई सपोर्ट करने वाला है? नहीं सपोर्ट करने वाला है, एक कॉइन कांच के ग्लास में टक आया, नीचे गिरेगा, क्यों? क्योंकि ये मोशन में नहीं आया था। हाँ याद रखना है, फ्लिक करना है बड़ा सतर्क अंदाज में, अगर तुम्हें सिर्फ फ्लिक कर रहा है तो कॉइन भी कार्डबोर्ड के साथ चला गया। कभी कभी ऐसा होता है सर, ऐसा नहीं हुआ था, हमें एक्सपेरिमेंट किए थे यार, मत करो, फ्लिप करना है, कार्डबोर्ड को हार्ड लेना है, एकदम मुलायम कागज को रख लोगे क्या? तो नहीं होगा, फ्लिप करना है, आह निकले कॉइन टपक्स, ठीक है, कॉइन टपक्स कहाँ गिरेगा? नीचे, यानी कौन सा? न्यूटन्स का कौन? फर्स्ट लॉ ऑफ एक्शन एग्जांपल्स, फर्स्ट लॉ में किसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं? इनर्सिया ऑफ रेस्ट का, ये सारा एग्जांपल्स इनर्सिया ऑफ रेस्ट का है, अभी मैंने कोई दूसरा एग्जांपल्स नहीं लिया है, अभी मैंने इनर्सिया ऑफ मोशन पर बात नहीं किया है, अभी मैंने केवल बात किया है इनर्सिया ऑफ रेस्ट पे, दिमाग में सेट कर लेना बात, अभी तक मैंने केवल और केवल इनर्सिया ऑफ रेस्ट पे बात किया है। किसका एग्जाम्पल लिया? हॉर्स राइडिंग का, और किसका एग्जाम्पल लिया? बस ट्रेन का, और किसका एग्जाम्पल लिया? कार्पेट का, और किसका एग्जाम्पल लिया? कार्डबोर्ड का। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है और समझदार है, ये काम करते हो हमेशा करते हो। अभी सीजन जामुन का है, अरे यार काला जामुन ब्लैकबेरी, मुंह में पानी आ रहा है सर, खाने का मन कर रहा है सर, मौसम बरसात का है, आ भर पक रहा होगा सर, गाँव में पक रहे होंगे, बट मैं क्या करूं सर, मैं तो हूं सर, तोड़ने का वो मजा तो नहीं आएगा सर, मार्केट में 80 रुपए के जी मिलता है, लेकिन खा तो लूंगा, लेकिन मजा वो नहीं है जो गांव का मजा है, समझ में आ रहा है ना मैं जो कह रहा हूँ? सब लोग समझ रहा है, अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है, हंसी का गुब्बारा छूट रहा है, अरे वाह क्या बात सर, आप तो मेरी बात ले लिए, चलो तो मैं जो बात कर रहा हूँ समझो, जामुन के पेड़ पर चढ़ जाओ, अरे चढ़ना
चलो एक जामुन से समझाने के लिए कर रहा हूँ। जामुन के पेड़ पर चढ़ जाओ, टहनी को पकड़ के यू 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 हिलाते हो। कभी कभी तो हम लोग बड़े अंदाज में क्या करते थे, टहनी पेड़ के टहनी पर चढ़ गए, एक टहनी को हाथ से जकड़ लिया या और यू 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 जैसे उस पर लगता है उठक बैठक लगा रहा है, अप डाउन कर रहा है। मैडम जी पनिशमेंट की है स्कूल टीचर और अप डाउन कर रहा है। कहते थे आप देखते थे पका हुआ फल कौन, ब्लैकबेरी का, और क्या पकी हुई पत्तियां मतलब सूखी हुई पत्तियां ड्राई लीव्स गिर जाती है। टू सेक ऑफ ट्री, टू सेक ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री, टू सेक ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री ड्राई फ्रूट्स एंड सॉरी फ्रूट्स एंड ड्राई लीव्स फॉर आपने देखो वो गिर जाता है। कारण क्या है, देखो ये वृक्ष में बहुत सारे ऐसे 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 मान लेते हैं फल लगे हुए, या ठीक है आपने इसे हिलाया नीचे की ओर, नीचे गए ये बड़ी अभी तक नीचे जाने का प्रयास कर रही, अचानक आपने छोड़ा ये झटके से ऊपर चला गया, बट ये अभी भी चाहेगा, ये रिस्क के साथ जा रहा है, बातिंग वाला ना अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी जा रहा है। तुम झुका रहे हो, झुक रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा हो, इस पर फोर्स लगा रहे हो। जो पका हुआ फल है उसका जो करेक्शन होता है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। अब तुम जैसे ही ऊपर किया झटका आएगा, जर्क फील करेगा, ये टूटेगा, ये अपने मूलभूत कंडीशन को बनाए रखेगा, ओरिजिनल कंडीशन को। फ्रूट्स टपाटप 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 ब्लैक बेरी से नीचे गिर गया, खाने का क्या मजा है, आया ना आया। तो ये हो गया न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का फर्स्ट पार्ट का एग्जांपल। कौन पार्ट्स का, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के फर्स्ट पार्ट का एग्जांपल। दूसरा पार्ट लेते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का दूसरा पार्ट लेते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बात, मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट क्या कहीं को कोई डॉट है जल्दी में बताएंगे, अगर कहीं को कोई डॉट है फटाफट में बताओगे। निहित सिंह हेलो सर, बस उसके बाद गायब है। चलिए बहुत अच्छा, आप सारे लोग हो ठीक है ना, मजा आ रहा है क्लास में, मजा आएगा ही आएगा। तो मैं सेकंड पार्ट का एग्जांपल देता हूँ। सेकंड पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था हॉर्स राइडिंग का, वही एग्जाम्पल मैं फिर से उठाकर चिपका दे रहा हूँ सेकंड पार्ट में। कौन लॉ में सॉरी सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में न्यूटन्स का जो सेकंड पार्ट है उस पर मैं चिपका दे रहा हूँ सेकंड। चलते हुए घोड़ा को अचानक लगाम लगाओ और गलती से घोड़ा रुक जाए तो क्या होगा। मैं क्या बोला था, जब तुम घोड़े पर बैठे हो तो तुम्हारा बॉटम पार्ट, जो भी शरीर का बॉटम पार्ट है निचला हिस्सा है वो घोड़े के अनुसार काम करेगा। अगर घोड़ा रुकेगा तो ये भी रुक जाएगा, घोड़ा चलेगा ये भी चलेगा, लेकिन ऊपरी हिस्सा हमेशा फ्री होता है। क्या होता है, किससे, घोड़े के कॉन्टेक्ट से। घोड़ा अचानक रुकना चाहेगा, शरीर नहीं रुकना चाहेगा, क्योंकि ये शरीर जो है ऊपरी हिस्सा ये न्यूटन्स के लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करेगा। आ रहा है, हमेशा याद रखना किसको फॉलो करेगा, न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करेगा। अब बदलाव लगाम लगाया, घोड़ा क्या हो गया, घोड़ा क्या हो गया, बाबू रुक गया, समझ लिया घोड़ा रुक गया। शरीर का भी अपर पार्ट्स काम कर रहा है, शरीर का अपर पार्ट्स अभी भी मोशन में है, अभी भी क्या चल रहा है, अब मोशन में तो मोशन किधर, घोड़ा आगे चल रहा था जिस स्टेप से चल रहा था, शरीर का बड़ी स्टेप से जाएगा अच्छा, घोड़ा के आगे भी गिर सकता है, जनरली राइडर संभल जाता है, हम लोग नौसिखिए हैं तो घोड़े के आगे, कहीं घोड़ा गलती से अपना लात उठाया, अरे सीने के तीन तीन पसलियाँ टूट जाएगी, अरे तब तो मजा आ जाएगा, तीन तीन पसलियाँ साफ, ठीक है कॉन्सेप्ट समझ में आया। यानी रनिंग कंडीशंस में जब घोड़ा है और अचानक वो ब्रेक लेता है तो आप वैसे कंडीशंस में आगे ही गिरते हैं। चलो घोड़ा गाड़ी में ज्यादा खतरनाक हो रहा है, थोड़ा सा ले लेते हैं वही बस रोड ब्रेक वाला। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लेती है आप देखते हो क्या होता है, आप आगे की ओर झुक जाते हो, क्यों,
क्योंकि शरीर का जो पार्ट्स बस के कांटेक्ट में, वो तो बस के अनुसार हो जाएगा। अगर बस मोशन में तो ये भी मोशन में, अगर बस रेस्ट में तो ये भी रेस्ट में, बट अपर पार्ट्स फ्री ऑफ बस है। कुछ देर के बाद ये बस के साथ हो जाती है, कुछ देर के बाद बस के साथ होती है, सम टाइम लेती है उसके जैसा होने में, ठीक है ना। तो जब यो 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 बस ब्रेक लगाए, ड्राइवर ब्रेक लगाया बस का, आप किस ओर आगे की, ठीक है, बाथरूम में। एक एग्जाम्पल और भी जो खतरनाक है, आप हमेशा देखते होंगे टाइम पास करके एक चीज बेच के आता है, चिनिया बादाम उसको बोलते हो, नहीं चिनिया बादाम बोलता है, पीनट बोल सकते हो। जब वो बेचने आता है तो आप क्या देखते हो कि वो चलती हुई बस से भी कूद जाता है, चलती हुई ट्रेन से भी कूद जाता है। क्या आपने कभी कूदने का प्रयास किया है? जवाब अगर नहीं है तो मैं कहूंगा कि मत कूदना। अगर जवाब हाँ है तो उसकी सजा भुगत चुके होंगे। अगर जवाब नहीं है तो मैं सलाह दूंगा मत कूदना, ठीक है। और अगर आपने कभी कूदा होगा तो उसका नतीजा भुगत लिया होगा, बशर्ते कि आपके पास अगर अनुभव नहीं है उस चीज का, ठीक है। चलती हुई बस से कभी कूदने का प्रयास मत करना। चलती हुई बस में क्या होता है, बस चल रही है, आप कूद गए, जैसे ही आप कूदे, आप जब बस चल रही थी तो आपको पूरा शरीर क्या चल रहा था, मोशन था, कंटिन्यूअस मोशन में बस था, तो आपका पूरा शरीर भी मोशन में है बस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप जैसे ही जंप लगा रहे हो बस से ग्राउंड पर, ग्राउंड पर आपका पैर क्या चीज में आता है, कॉन्टेक्ट में आता है, पैर तो रेस्ट में आ गया लेकिन शरीर का अपर पार्ट अभी भी क्या चीज में है, आप अभी गंभीर चौक है। ये थोपड़ा नहीं सर, इस पर को 10 लाख मिलने वाला। अरे यार डोरी छोड़ो, डोरी को छोड़ दो, देह पर मत मरना, चेहरे पे नहीं सीरत पे मरो, ठीक है ना, चेहरे पे नहीं सीरत पे मरो, ठीक है, दहेज पे नहीं कभी किसी का कल्याण भी करो, ठीक है, दहेज पे नहीं कभी किसी का कल्याण भी करो। यो तो कहते हैं सब, हम बसाते हैं गरीबों का, तुम सच में बसा दिया करो, ठीक। अच्छा यार अब ये सब नहीं करना है उम्र पाकर, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि बस 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 से जब जंप लगाते हो तो आपका पूरा पैर बॉडी ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है, क्रिस्ट में आ गए, बट शरीर अभी भी मोशन है, अपराध से क्रिस्ट हो। अगर इन केस ऐसी नौबत आ जाए कि नहीं हमें चलती बस से कूदना ही पड़े, तो वैसे कंडीशंस में जिस डायरेक्शन में बस चल रही है उससे हल्का इंक्लाइन होते हुए आपको उसी डायरेक्शन में मूव करना होगा, आपको मूव करना होगा बस के साथ, थोड़ी देर दौड़ लगाओ किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, लेकिन हल्का इंक्लाइन हो जाना, ऐसा नहीं कि बस के साथ अगला नहीं करना, बस से कूदे और बस ही के साथ दौड़ गए, मालूम चलेगा कि ड्राइवर गलती से स्टीयरिंग इधर घुमाया तुमको साफ कर देगा, नहीं हल्का सा इंक्लाइन हो रहा है, मतलब अगर बस ऐसे चल रही है, सपोज मान लो बस ऐसे चल रही है और आपने कूदा कहां, यहां सपोज यहां यहां तो आप यहां से हल्का सा बस बस ऐसे चल रही है, आप ऐसे हल्का सा इंक्लाइन हो जाओ, बस के डायरेक्शन में मूव करो, किसके डायरेक्शन में मूव करना है, बस के डायरेक्शन में मूव करना है, गलती से समझ में आ गया होगा। तो ये बदलाव क्या होगा, न्यूटन्स का कौन लॉ, न्यूटन्स के सेकंड फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट का एग्जांपल हो गया, इसका एक एग्जांपल और भी कर सकते हो, बढ़िया सा एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल ले लें, कोई 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 एग्जांपल्स, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, हाँ देखो ध्यान रखो, एक ट्रेन, ट्रेन में आप जब बॉल को फेंकते हो, बैठे हो ट्रेन में, ट्रेन चल रही है, आप बॉल फेंकते हो, आपके हाथ में गिरती है, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आप मोशन में थे, बॉल को आपने फेंका तो ट्रेन के साथ बॉल भी मोशन में हॉरिजॉन्टली मूव किया है, ऐसा नहीं कि बॉल पीछे चला गया, नहीं, लेकिन अब जब देखो बस में बैठे हो, बॉल फेंको आपके हाथ में गिरेगी, लेकिन 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 अचानक जब आपने बॉल फेंका और बस का ड्राइवर ब्रेक लगा दिया एट ए टाइम, बॉल आपके हाथ में नहीं गिरेगी, बात में आ रहा है, बॉल आगे गिरेगी, कहां गिरेगी, क्योंकि बॉल जिस समय आपने देखा था बॉल के साथ बस, बस के साथ हम आप और बॉल जो भी था सब मोशन में था,
लेकिन अचानक ब्रेक लग गया, हमारा शरीर जिस तरह से आगे गिर रहा है, बॉल भी किधर गिरेगा? आगे गिरेगा। इससे क्या क्लियरली मालूम चलता है कि जो जिस कंडीशंस में है, मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगी। ये न्यूटन्स का सेकंड पार्ट हो गया। नंबर थर्ड पार्ट ही बहुत आसान है। मान लो कोई टर्निंग आ रहा है, न्यूटन्स के थर्ड पार्ट का एग्जाम्पल समझोगे, जिसे हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ, सॉरी इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, इस पर बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट। मान लो कि आप कोई काम चला रहे हैं, टर्निंग आ जाए, आपको मैं स्टीयरिंग नहीं घुमाने वाला हूं, चाहे जो हो चाहे, बताओ क्या होगा? समझ में आ रहा है? रोड की टर्निंग है, आप स्टीयरिंग नहीं घुमाओगे, क्या हाल होगा? बात समझ में आ रहा है? ये डायरेक्शन, ये क्या है? इनर्जिया ऑफ डायरेक्शन है। आपको टर्निंग पे स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, नहीं घुमाओगे तो शायद आप रोड पे रहो या ना रहो, कार तो पक्का नहीं रोड पर रहेगी। बात में आ रहा है ना? कार तो पक्का रोड पर नहीं रहेगी। तो ये है इनर्सिया ऑफ किसका? डायरेक्शन। हम समझते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपको काफी बारीकी से क्लियर हो गया होगा। जरा एक बार कमेंट करके बता दोगे क्लियर हुआ या नहीं। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पूरे पूरे क्लियर हो गया होगा, फटाफट में कमेंट करके बताओगे जल्दी में क्या क्लियर हो गया। जल्दी बताओगे क्लियर हो गया? यार कमेंट नहीं करते हो, ये बड़ा गंदा चीज है। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके बता दो यस सर क्लियर हुआ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा। बाद में मैं, ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ। न्यूटन्स के कौन लॉ पर आप सेकंड लॉ पर हम चर्चा करने वाले हैं? न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? ढंग से समझोगे, ईमानदारी पूर्वक समझोगे, मन से ईमानदारी पूर्वक आराम आराम से समझते चलोगे, ठीक है? न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? दो पार्ट्स इसका भी, ठीक है? हम लोग पहले न्यूटन्स के सेकंड लॉ पर बात करें। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लिख रहा है जी, ज्यादा ऊंचाई पर लिखा गया है। चलो पक्का पक्का लिख रहा है ना, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? बड़ा ही आसान सा चीज है, कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखोगे द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज, क्या चीज छोड़ दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी। समझो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम पहले मैं बता चुका था संवेग, चेंज वाले परिवर्तन, तो संवेग के दर में जो परिवर्तन होगा, संवेग के दर में जो परिवर्तन होगा किसका, किसी भी बॉडी के संवेग के दर में जो परिवर्तन आएगा वो सीधा समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स बाहरी बल का, कौन बल का, बाहरी बल का अप्लाइड ऑन द बॉडी, जो बॉडी पर क्या होता है अप्लाइड होता है, जो बॉडी पर क्या होता है अप्लाइड होता है, ठीक है? एंड द, अब देखो सेकेंड पार्ट है,
and the change and the change take care. या टेक्स ही बोल सकते हो चेंज टेक एन टेक्स ही बता सकते टेक्स प्लेस एंड द चेंज टेक्स प्लेस कौन प्लेस बाबू टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ क्या बोलेंगे छोटू अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स बढ़िया से समझोगे मैं फिर से एक बार बोलता हूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी किसी भी बॉडी के मोमेंटम के रेट में जो चेंजिंग आता है हिंदी समझोगे किसी भी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन का दर होता है जो परिवर्तन का क्या होता है दर होता है वह सीधा समानुपाती होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा समानुपाती होता है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स का उस बॉडी पर जो आप बाहरी बल लगाते हो उस बॉडी पर जो आप क्या लगाते हो बाहरी बल लगाते हो सपोज मान लो मैंने एक बॉडी ले ली फुटबॉल ले ली समझना है तो बढ़िया से ये मेरा एक फुटबॉल हो आप इस पर फोर्स लगाए क्या लगाए तो इसका कोई कोई मास होगा इस बॉडी का वेलोसिटी कुछ मिल जाएगा तो क्या होगा एम इंटू बी अरे भाई शुरुआत किसकी वेलोसिटी कुछ और थी बाद में वेलोसिटी कुछ और मिल गई तो चेंज हुआ वेलोसिटी तो डेल्टा बी हो गया बताओ क्या इसको चेंज करने में कोई टाइम लगा होगा या नहीं लगा होगा तो टाइम भी लगा होगा तो जो अप्लाइड फोर्स है कौन फोर्स है अप्लाइड फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स कैसा अप्लाइड फोर्स बाहर से लगा रहा ना क्या खुद बहुत लगाया फोर्स नहीं आपने लगाया या किसी और मीडियम के द्वारा लगा या कोई और सोर्स के द्वारा लगा तो कैसा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स तो एम इंटू डेल्टा बी बाई कौन सा है डेल्टा टी एम इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी किसका तो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाइड और कौन फोर्स है छोटू एक्सटर्नल कौन नाम एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है अप्लाइड कौन फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स जो है उसका क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम इंटू डेल्टा बी और बाई डेल्टा टी का पहले तो इतना दिमाग सेट करो कि एफ जो होगा वह डायरेक्टली अब मतलब दूसरा जो है वो क्या कहता है द चेंज टेक्स प्लेस जो परिवर्तन आता है क्या चीज है इन द डायरेक्शन दिशा में दिशा में जो परिवर्तन आता है वह अप्लाइड फोर्स का दिशा होता है किसकी दिशा होता है अगर फोर्स तुम ईस्ट वार्ड लगाओगे पूरब की ओर लगाओगे तो बॉडी के मोमेंटम में जो चेंजिंग आएगा डायरेक्शन में वह ईस्ट वार्ड होगा अगर तुम वेस्ट की ओर लगाओगे तो वेस्ट की ओर होगा नॉर्थ की ओर लगाओगे नॉर्थ की ओर होगा अगर साउथ की ओर लगाओगे साउथ की ओर होगा बात समझ में आ रहा तो जो दिशा परिवर्तन आएगा वो किस ओर होगा तो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होगा जिस ओर फोर्स अप्लाइड होगा उसी में होगा तो यानी एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम सॉरी एम इनटू डेल्टा बी बाय कौन सा है डेल्टा टी यानी फोर्स आपने लगाया आपने फोर्स अच्छा यहां पर वेलोसिटी में चेंज केवल दिखा रहे हैं जबकि तो बोला गया मोमेंटम में चेंजिंग तो मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी और बाई कौन सा डेल्टा टी रिजल्ट यही आया टेंशन लेना नहीं है डेल्टा पी वेक्टर और बाई डेल्टा टी ये हो जाएगा एक्चुअल रिजल्ट ये है ये न्यूटन साहब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कि जो फोर्स अप्लाई करोगे किसी भी बॉडी पर तो उस बॉडी का जो मोमेंटम चेंज करेगा वो टाइम के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स का यानी एफ वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी पी वेक्टर बाय डीटी इसका दो फॉर्म हो सकता है पहला नंबर फॉर्म हो सकता है डेल्टा पी लिखना है तो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है मोमेंटम तो डेल्टा एम इनटू वी वेक्टर
बाई डेल्टा टी ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेकेंड पार्ट क्या चीज जो मैंने अभी लिखा है, एल इंटू डेल्टा वी वेक्टर और बाई कौन सा डेल्टा टी, दो तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला तरीका हम लोग रॉकेट में पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा रॉकेट प्रपल्जन वहां पर मैं बताऊंगा पूरे डिटेल्स में। अभी हम लोग यहाँ पर का कंजेशन कॉन्सेप्ट पर पढ़ते हैं, एल इंटू डेल्टा वी बाई कौन सा डेल्टा टी, यानी फोर्स के डायरेक्शन में दिशा ही चेंज करेगा फोर्स के साथ। तो दोनों चीज को डिसाइड कौन करता है, अप्लाइड फोर्स, कौन फोर्स अप्लाइड फोर्स। लिखना चाहते तो उसको मेंशन कर सकता, सर्विस ऑफ ले सकता, नहीं है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बात समझ में आया, बोलो जल्दी फटाफट में आया गया। ठीक है, अब जरा बताओ छोटू, यहां से इतनी सारी बातें तो मेरे पास क्लियर हो गई कि ये चीज है, नहीं क्लियर है ना मेरे पास कि ये बात मेरे पास क्लियर हुआ। अब इसका भी दो पार्ट्स, पहला नंबर पार्ट समझो, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ, सॉरी सेकंड लॉ जो है, ये भी दो पार्ट में बांटा गया है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ तीन भाग में, न्यूटन्स का सेकंड लॉ दो भाग में। जब थोड़ा हो रहा है इसको ऐसे ऐसे साफ करते हैं, पर उसके बाद बताते हैं कि कौन कौन दो पार्ट है। ठीक है ना, एकदम आराम से ईमानदारी से सोचना है, मन से सोचना है। हमने कहा कि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वह दो पार्ट से बांटा गया है, कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया, कौन कौन भाग है तो समझो। पहला नंबर भाग जो तुम्हारा हुआ वो ये चल रहा है, द रेट ऑफ, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑफ क्या चेंज मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो छोटू क्या है, अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द दूसरा, दूसरा क्या है, चेंजेस टेक्स प्लेस, द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ कौन फोर्स अप्लाइड फोर्स, दिस इज द सेकंड पार्ट। न्यूटन्स का सेकंड लॉ कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, मैंने लिखा था न्यूटन्स का सेकंड लॉ पार्ट वन और पार्ट टू, तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ दो भागों में बांट गया, पहला पार्ट और वन पार्ट से दूसरा पार्ट, क्लियर हो। अब इसके हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन पे बात करते हैं, एक्सप्रेशन क्या हो मिटा इसको, देखो एक्सप्रेशन जैसे करता है उस पर हम बात करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे अगला क्लास वगैरह होगा, इसका कुछ लिमिटर्स होगा इसके बेस्ट, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस मिल सके। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे हम लोग। देखो क्या बोला गया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोलोगे डी यहाँ पर लिख सकते हो एम भी और वाई क्या बोल सकते हो डी टी, यहाँ पर चाहो तो मास कॉन्स्टेंट कर बाहर कर ले डी भी और वाई क्या बोल सकते हो डी टी। आपने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या चीज बाबू एक्सेलरेशन, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होगा एम इनटू ए वेक्टर। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, ये कांस्टेंट का मान क्या हो गया के इनटू एम ए वेक्टर। ठीक है, यानी एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू जो आपका मिला के इनटू एम ए वेक्टर, इस के का वैल्यू न्यूटन साहब ने, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल मेजर किया और एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट के द्वारा वैल्यू बता दिया के इक्वल टू कितना छोटू वन, फॉर्मूला मिल गया एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एम ए वेक्टर, यानी फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो उस बॉडी के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, या बॉडी का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो किसका डायरेक्शन होगा अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन होगा,
यानी दोनों का डायरेक्शन का मिल जाएगा सेम। ठीक है, तो गेट वेक्टर इज इक्वल्स टू एन ए वेक्टर। ठीक है, यहां से आपको ये आंसर मिल जाता है बहुत ही इजी पे आसान तरीके से, एक वेक्टर बराबर कौन वेक्टर एन ए वेक्टर। हम समझते हैं पॉइंट क्लियर हो गए होगा। यहां से तुम चौक का ऐसा यूनिट निकाल सकते हो, ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। ऐसा यूनिट निकालने के लिए हम लोग सीधी सी बात इसके मैग्नीट्यूड पर बात कर लेते हैं, ऐसे निकलेंगे यानी एक बराबर एम ए, इसके लिए के जी हो गया, एसएमसर के लिए आप जानते हो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया, यानी के जी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन साहब ने दिया था, थोड़ा सा इनका सम्मान करेंगे और लिख देंगे क्वांटम न्यूटन को सिंबल में एम लिख देते हैं। फिर के जी एफ भी होता है, के जी एफ भी होता है, इसको ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। ऐसा ही कौन सा ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट कौन यूनिट है, ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट के जी एफ आया। ठीक, इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या कहोगे, सीजीएस यूनिट क्या मिलेगा, एक बराबर जरा बोलो सीजीएस यूनिट क्या होगा, एक बराबर क्या मिलेगा, एक बराबर जल्दी बोलो क्या बोलोगे, ग्राम, फिर क्या बोलोगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पूरे को एक नाम देते हैं डाई, वैज्ञानिक नाम है वो डाई में, डाई वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसका सीजीएस में ग्रेविटेशनल यूनिट बोलोगे, ग्रेविटेशनल में सीजीएस यूनिट बोलोगे, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम फोर्स, क्या हो जाएगा ग्राम फोर्स। ठीक है, ये बातें आपके दिमाग में आ गई होगी। डायमेंशन निकाला चौबर फोर्स का, लिख लो एम बराबर क्या होगा मास है, एक्सेलरेशन है, मास के लिए एम हो गया, एक्सेलरेशन के लिए एल टी का पावर माइनस टू हो गया, डायमेंशन एम एल टी माइनस टू हो गया, बहुत आसान है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के एक्सप्रेशन पर मैंने बात किया, कल हम इस पर यानी अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में कुछ और भी बातों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए क्लास में आपको यही प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे का क्लास 12th का है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं शुभ विदाई, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।